हमने पूरी तौर पर आज ही नहीं, डेढ़ महीने से पहले 10 के 10 लोकसभा के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए थे और उनको 25 तारीख का समय दिया है कि वो अपनी रिपोर्ट बना कर दे कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस किस पार्टी के प्रस्पेक्टिव कैंडिडेट्स कौन आ सकते हैं और उसके साथ हमारी ओर से सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता है, और पूरी तौर पर तैयार है 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा लड़ने के लिए। हरियाणा बदलाव चाहता है और बदलाव जननायक जनता पार्टी के प्रति अपना अपार समर्थन जो जींद ने एक ट्रेलर दर्शाया उसको देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अगर कोई विकल्प हरियाणा प्रदेश में है तो जननायक जनता पार्टी। और मैं तो ये बदलाव मानता हूँ कि जिस प्रकार से पलवल के अंदर चौधरी हर्ष कुमार जी ने हमें एक बड़ी ताकत दी है, उसी प्रकार 28 तारीख को पूर्व मंत्री जो तीनों मेवात की सीटों से विधायक रहे हैं मोहम्मद इलियास जी भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो अपने आप में एक ताकत है। छछरौली से पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी भी हमारे साथ शामिल हुए हैं, वो भी अपने आप में एक ताकत है। तो मैं ये मानता हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर आज जो जन समर्थन है वो जननायक जनता पार्टी के प्रति जुड़ रहा है, लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अगर हरियाणा प्रदेश में कोई परिवर्तन के तौर पर किसी पार्टी को देखा जा रहा है तो वो जननायक जनता पार्टी। अभी 22 के 22 जिलों के अंदर ये कार्रवाई चालू है। पीछे जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी यहाँ थे जब 4 जिलों के अंदर कार्यालय खुले थे, और हमारा ये प्रयास है कि 28 तारीख तक स्टेट लेवल का डिस्ट्रिक्ट लेवल का तमाम संगठन हम खड़ा करें और उसके साथ जहाँ भी कार्यालय नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पार्टी के दफ्तर खोले जाए जो सेंट्रलाइज तरीके से पूरे संगठन को सुचारू तौर पर चलाने में सक्षम है। बादल परिवार से पारिवारिक मित्रता रही है, अब अकाली दल यहाँ भी जो रैलियाँ कर रहा है तो क्या गठबंधन? तो उनके संगठन का निर्णय है, अगर पंजाब में आगे चुनाव होंगे और अगर हमें लगता है कि हम सक्षम हैं तो हम भी पंजाब के अंदर जाकर अपनी दावेदारी करेंगे। हम दिल्ली में पहले ही संगठन के बनाने की शुरुआत कर चुके हैं, राजस्थान में बढ़ाएंगे, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हरियाणा के लगते हुए प्रदेश है वहाँ मजबूती से हम संगठन को खड़ा करने का। और मजबूती से क्या लगता है बीजेपी किसी से गठबंधन करेगी? आज ये बात कहनी बहुत जल्दी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव ने 3 सदस्यों को ये जिम्मेवारी दी है, हमने उन पर छोड़ा है कि अगर उनको कुछ वायबल लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ किसी पार्टी के साथ आने से हरियाणा प्रदेश के नहीं देश हित के लिए बदलाव के अंदर कोई हमें मजबूती मिलती है, उस संगठन को मजबूती मिलती है, तो जरूर इस पर विचार किया जाएगा। बजट सत्र आ रहे हैं, किस प्रकार से आप बातें? देखिए, जननायक जनता पार्टी के समर्थित चारों विधायकों ने अपनी ओर से 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन मूव करे हैं, एक तो जो मेडिकल स्कैम इस प्रदेश में हुआ था और दूसरा जो ये बेमौसम बारिश से फसलों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में नुकसान हो रहा है, इसके लिए एक कमेटी गठित करने के लिए हमारी मांग है। और आगामी जो ये 15 दिन 13 दिन का जो बजट सेशन है, हम चाहेंगे कि सरकार हमारे विधायकों को मौका दे कि वो ये बात रख सके। दुष्यंत, आपने कहा कि आपकी पार्टी में पूर्व विधायक शामिल हुए भी हैं और होने वाले भी हैं, क्या कुछ विधायक भी हैं जो आपके संपर्क में हैं? देखिए, पहले भी तो 4 आए हैं और उसके साथ सरदार बलकौर सिंह जी का भी समर्थन आया, तो मैं ये मानता हूँ कि ये शुरुआत है। मैं एक दिन के अंदर आप 90 विधायकों से तो चर्चा नहीं कर सकते, मगर अगर कुछ लगता है कि ऐसा कोई मजबूत साथी है जो अपनी विधानसभा को मजबूती से दोबारा जीत सकते तो जरूर उस पर विचार किया जाएगा। अशोक अरोड़ा का एक पोस्टर लगा था कुरुक्षेत्र में जहाँ उन्होंने लिखा था पूर्व मंत्री, पार्टी का नाम नहीं लिखा नीचे, क्या मैसेज? अशोक अरोड़ा जी हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं, जिस पार्टी का वो हिस्सा है मेरे ख्याल से वो लोग इस पर ज़्यादा टिप्पणी कर पाएंगे। पार्टी को चेंज कर सकते हैं? अब इस पर तो इंडियन नेशनल लोकदल जवाब दे कि क्यों उनके प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष लिखना छोड़ दिया। मगर जहाँ जननायक जनता पार्टी की बात है, हमारा यही कार्य है कि हम संगठन का विस्तार करें, मजबूती से संगठन को आगे दें। आके तो हमें तो 200 बच्चों की पार्टी कहा जाता था, आज एक संगठन तो आप मानने लग गए और एक सीरियस पार्टी मानने लग गए। ये तो राजनीति है, धमाके होते रहते हैं और धमाके नुकसान वाले नहीं, प्रदेश के हित के अंदर बदलाव वाले। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई
ऐसी सोच के लोग जो प्रदेश के हित के लिए हमारे से जुड़कर हमें ताकत देना चाहेंगे तो जरूर उस पर भी विचार किया जाए। अब ऐसे के भी ज्यादातर बयान जो है वो जेजेपी को लेकर ही आते हैं। वो तो सोते हैं उठते हैं तो जेजेपी याद आती है।